आज जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, वर्ग समीकरण चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। तो वर्ग समीकरण क्या होगा? वर्ग मतलब हुआ कि घाते 2, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें जो है जो हमारी क्या कौन सी राशि, चर राशि जो है उसकी अधिकतम पावर कितनी हो, 2 हो, तो ऐसे समीकरण को क्या हम कहेंगे? वर्ग समीकरण कहेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसमें चर राशियां मतलब कि एक्स वाई जेड, अगर इनकी पावर कितनी है, अगर 2 के रूप में अगर आपको दिख रही है, और कोई समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, या वाई स्क्वायर प्लस 4 है, या जेड स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है, तो इस तरीके के अगर आपको दिख रहे हैं, और समीकरण मतलब बराबर करके जरूर कुछ ना कुछ निशान में होगा, तो ऐसे समीकरणों को क्या कहा जाएगा? वर्ग समीकरण कहा जाएगा। जिस इसमें चर राशि की अधिकतम घात दो होती है, ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं? वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। सबको समझ में भी आ रहा है जो बता रहे हैं? समझ में आ रहा है कि खाते अगर x y कोई चीज दिया है, उसकी खाते अगर 2 दिख रही है, तो ऐसे समीकरण को वर्ग समीकरण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई एग्जांपल भी दिए गए, और समीकरण है तो बराबर करके निशान जरूर ही आपको दिखेगा। अब यहाँ पर जैसे कोई समीकरण दिया गया है, उसको हमें कैसे हम हल करना है, यहाँ पे वर्ग समीकरण जो दिए उनके हल हमें करना है। तो चलिए प्रश्नावली में आते हैं, तो उसके सवालों को हल करते हैं। आइए प्रश्नावली की ओर बढ़िए, 8A, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे 8A में नोट कर लिया आपने, 8A जो है इसमें देखिए, 8A में दिया गया है निम्नलिखित वर्ग समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। तो पहला समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, तीन फार्मूले वर्ग समीकरण के लिए पढ़े होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ हम फार्मूले नोट कर लेते, फिर इसको सवाल करेंगे। क्या क्या फार्मूला है? तीन समीकरण है। पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है? ठीक है, ये होता ना, और a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, एक और होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस, यही होता है ना, यही तीन समीकरण है। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिए। तीनों समीकरण सभी बच्चों को याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो, इस समीकरण में ये जो हमने देखा है, इसमें जो ये आपको दिख रहा है वो किस टाइप में दिख रहा है? कुछ कुछ इस टाइप में दिख रहा है। ये सवाल कैसे दिख रहा है? इस टाइप में दिख रहा है ना। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, x का होल स्क्वायर माइनस 49 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर बराबर 0। इस सूत्र से क्या हो जाएगा हमारे, एक्स प्लस 7 और x माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ बगल में सूत्र लिखना जरूरी है, सूत्र मतलब सूत्र मत लिख देना, ये लिखना जरूरी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। समझ में आ रहा सबको? अब यहाँ पर 2 गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गए, तो ये दोनों अलग अलग 0 के बराबर होंगे, या प्लस 7 बराबर 0, तो x का मान क्या जाएगा? माइनस 7, और x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर क्या जाएगा? 7। तो आंसर क्या हो गया आपका, x के मान क्या हो गए? x बराबर 7 और x बराबर माइनस 7, दो मान आपको प्राप्त हो गए। अब यहाँ पर उत्तर की जांच करने के लिए भी लिखा है, तो यहाँ पर आप उत्तर की जांच करने के लिए यहाँ पर x की जगह पर एक बार 7 रख के देखिए,
जांच सही नहीं चल रहा है। x की जगह क्या रखेंगे, सात रखने पर x बराबर सात रखने पर, ठीक है, सेवन का स्क्वायर माइनस 49 बराबर क्या आएगा, 49 माइनस 49 बराबर कितना आ गया, शून्य बराबर आ गया शून्य, ठीक है। ये अलग चीज है समझाने के लिए था। फिर यहाँ पर x बराबर माइनस सात रख के देख लीजिए, तो बराबर क्या आएगा, माइनस सात का स्क्वायर माइनस 49 यहाँ आगे लिखिएगा, LHS बराबर RHS, अब बराबर क्या जाएगा, 49 माइनस 49 बराबर जीरो, यहाँ पे भी क्या आ गया, एल एच एस बराबर आर एच, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। अरे यार ठीक है, इसी तरीके से हैं सारे क्वेश्चन इसके, इसको आपको हल कर लेने हैं, आप कर लीजिएगा, मैं नोट करा दे रही हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन हल करिएगा, पांचवा हल कर लीजिएगा, ठीक है, आठवां कर लीजिएगा, बारहवां कर लीजिएगा और पंद्रहवां कर लीजिएगा।